नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। आज आपके सामने मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है हिंदी ब का पाठ्यक्रम 2020-21 का कक्षा 9वीं विषय हिंदी ब। ब इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि हिंदी में अ कोर्स और ब कोर्स होता है। तो मेरे बच्चे, आप जो कोर्स पढ़ते हैं उस कोर्स का नाम है बी कोर्स। उसमें हिंदी ब का जो 2020-21 का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। साथ ही साथ ये पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आज की तासिका में आपको देने वाला हूं। तो बच्चों, पाठ्यक्रम कैसा रहेगा एक एक स्लाइड के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं। हिंदी ब का पाठ्यक्रम 2020-21 का परीक्षा भार विभाजन कैसा रहेगा, पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में अभी चल रहे हैं कि पहला प्रश्न कैसा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ग्रामर के टॉपिक कौन से होंगे, पाठ के टॉपिक कौन से होंगे, कौन से पाठ को पढ़ना नहीं है, कौन से पाठ को पढ़ना है, परीक्षा में कौन से पाठ आएंगे, बहुत सारे प्रश्न ही प्रश्न। और आज के दिन में तो ज्यादा ही प्रश्न क्योंकि हम घर में बैठे हुए हैं, है ना, ऐसा ही। चलो ठीक है, तो एक विषय वस्तु में हम देखते हैं कि अपठित गद्यांश चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल्य पर अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। चिंतन क्षमता और लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक, एकदम शॉर्ट यानी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट नाम के क्वेश्चन है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो अनसीन पैसेज है, ये जो अपठित गद्यांश है, अपठित का अर्थ होता है आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन वो आया है। तो ये 10 अंक के लिए दिया है। इसमें अगर हम देखेंगे तो कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां 8 मार्क के, 2-2 मार्क के, 1-1 मार्क के, 2 अर्ध के, 10 अंक के क्वेश्चन आपके यहां हो गए। उसके बाद हम देखते हैं जो व्याकरण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप बार बार पूछते हैं कि सर व्याकरण कौन सा आएगा, तो व्याकरण में हम देखते हैं ये जो व्याकरण है शब्द और पद। बच्चों ये इस बार आपको नया दिया है, इससे पहले 9th क्लास में ये नहीं था, ये था 10th क्लास में, आपको इस बार दे दिया है शब्द और पद। ये 2 अंक लिए, हम विस्तार से जानकारी बाद में आपको व्याकरण में दे देंगे। अनुस्वार, अनुनासिक, ये 2 अंक के लिए, ये पहले भी था अभी भी रखा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये पहले भी था लेकिन 2 अंक के लिए था, इस बार 4 अंक के लिए रखा है, ये एक ध्यान रखिए, इसमें 2 अंक बढ़ा दिए हैं। बाद में शब्द विचार, ये पहले नहीं था इस बार दे दिया है। एक है श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये हैं, ये अंत में जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ऐसा ग्रामर दे दिया है बच्चों। ये देखिए यहां अंत दिख नहीं रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपको इस बार पढ़ने हैं। और ये विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये भी आपको पढ़ना है, ये ग्रामर है। और ये ग्रामर में से शब्द और पद आपने पढ़ा नहीं है, अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, 8 क्लास में लगभग आपने उसका अध्ययन किया है। कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। नया क्या है? शब्द और पद, जो अगले वीडियो में ये भी आपके पास हम पहुंचा देंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, शब्द ये जो कुछ पाठ है वो इसका अध्ययन आपने इससे पहले ही किया हुआ है। देखिए बच्चों, अब हम आएंगे पाठ्य पुस्तक के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक के ऊपर आएंगे। अब क्या करेंगे,
स्पर्श भाग एक हमारे लिए पाठ्य पुस्तक कौन से है नाइन्थ क्लास में, ये जरा ध्यान रखिए। बी कोर्स हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो नाइन्थ क्लास में पाठ्य पुस्तक कौन से है हमारे लिए, ये देखिए आपको मैं बता देता हूं कि स्पर्श स्पर्श भाग एक संचय भाग एक, और भाग दो है आपको टेंथ क्लास में पढ़ना है। ये जो है मतलब दसवीं में पढ़ना है, और ये जो है नाइन्थ में पढ़ना है ना। तो हमारे लिए पुस्तकें कौन से हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और स्पर्श भाग एक और संचयन भाग एक, ये दो किताबें आपको पढ़नी है। ये देखिए बच्चों, इसके बाद हमें जो आता है कि पाठ्य पुस्तक जो है स्पर्श भाग एक, उसमें पहला है गद्य खंड। गद्य मतलब पाठ, पाठ पाठ के ऊपर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से 2+2+2 ये 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चन है जो हॉट्स क्वेश्चन कहा जाता है, हॉट्स क्वेश्चन कहा जाता है उस, ये एक ही प्रश्न पूछा जाएगा वो है 5 अंक का, ये 11 अंक का सेम कविता के ऊपर के भी क्वेश्चन 11 अंक के, 11 और 11 22 होते हैं, और संचयन भाग एक में हम 3+3 वाले 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में विकल्प सहित आएंगे और उसके 6 अंक होंगे, 11, 11, 22, 22 और 6, 28 अंक का पाठ्य पुस्तक। कितने अंक का, 28 अंक का क्या हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया है ना, समझ में आ गया ये पाठ्य पुस्तक। उसके बाद हम देखते हैं कि लेखन खंड जो लेखन भाग है वो कितने अंक का है, सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद लेखन। इससे पहले भी आप अनुच्छेद लेखन 8 क्लास में भी पढ़े, बढ़ती महंगाई हो, प्रदूषण हो, स्वच्छता हो, श्रम का महत्व है, विविध प्रकार की आप मेरे विद्यालय का पुस्तकालय है, ऐसे अनुच्छेद आपने लिखे हैं, बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन आपने किया है, वो इस पहले 5 मार्क का था, इस बार कितने अंक का है, 6 अंक का है ना, तो ये आप लिखेंगे। अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र, इससे पहले क्या आ जाता था, आपने देखा है कि 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक आपने एक ही पत्र लिखा है, प्राचार्य महोदय को छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए, इससे अलग हटकर आपने कभी पत्र लेखन किया नहीं है, लेकिन जो आपको पढ़ाया है अनौपचारिक पत्र लेखन भी आपको पढ़ाया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पत्र कौन सा लिखा है आपने, प्राचार्य महोदय को छुट्टी मांगते हुए 3 दिन का अवकाश मांगते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, इस प्रकार के पत्र हमने अब तक लिखे हैं, तो हमें अब भी कौन से पत्र लिखने हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको पत्र लिखना है, मतलब घरेलू पत्र, अनौपचारिक पत्र। रिश्तेदार कौन से हैं, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारे पिताजी है, हमारे ताऊ है, हमारे चाचा है, बाद में बड़े भाई है, छोटे भाई है, मित्र है, हमारे गुरु है, अध्यापक है, इनको पत्र लेखन करना है इस बार, और अगले साल हमें इनको छोड़ना है, और सरकारी अधिकारियों को पत्र लेखन करना है, मतलब 10th क्लास में। अब 9th क्लास में हम इन लोगों को पत्र लेखन करना है, तो इनका फॉर्मेट ये कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में वो जानकारी आपके पास कर दे देंगे। संदेश लेखन जो आपके पास वो वीडियो आ ही रहा है, संदेश लेखन बच्चों नया विषय है, ये पहले नहीं था, ये नहीं था पहले। संदेश लेखन, संदेश तैयार करना है, और संदेश लेखन में शुभकामनाएं हैं, विशेष अवसर दिवाली है, दशहरा है, होली है, ईद है, विविध प्रकार के अवसर आपके पास उपलब्ध है, या किसी का जन्मदिन है तो हम जन्मदिन के अवसर पर भी एक उनको संदेश लेखन करना है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, आपको अधिक से अधिक मार्क देने वाला सब्जेक्ट है। बाद में
संवाद लेखन किसी एक स्थिति पर, और नारा लेखन उसको ही हम स्लोगन लेखन बोलते हैं। तो ये स्लोगन या संवाद लेखन भी करना है। तो स्लोगन लेखन तो बहुत ही आसान है, जय हिंद ये भी एक नारा है, हाँ चलो दिल्ली ये नारा है, जय जवान जय किसान एक नारा है। तो नारा लेखन आप अच्छी तरह से, उसका भी एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो के माध्यम से ये भी आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। तो आधी जानकारी उस वीडियो से आप प्राप्त कीजिए। तो ये पांच अंक का, ये पांच अंक का, पांच पांच छह पांच ग्यारह, ग्यारह पांच सोलह, और ये चार बीस चौबीस छब्बीस, एक दो तीन चार बीस और छह छब्बीस, ये छब्बीस अंक का। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे इसलिए कहनी है क्योंकि आजकल हम घर में हैं और घर में रहते हुए हमारे पास किताबें ई कंटेंट के माध्यम से आपके पास तक किताबें तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन अगर आपके पास किताबें नहीं भी हैं या किताबें खोलकर पढ़ने का मन नहीं होता है तो हम क्या करें, घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम घर में रहते हुए भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिए कि हमारी पाठ्य पुस्तक अगर 28 मार्क की है तो हमारे लेखन विभाग भी 26 अंक का है, मतलब 26 अंक का है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसको जितना महत्व देना है उससे कहीं अधिक महत्व हमें यहां देना है जो 26 अंक का है। तो 26 अंक की तैयारी आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अनुच्छेद लेखन के विषय कौन कौन से हैं, मेरा गांव है, मेरी माँ है, मेरा परिवार है, बाद में स्वच्छता है या परिसर की स्वच्छता है, गांव की विविध प्रकार की समस्याएं हैं, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखिए ना। आपके पास सब्जेक्ट है, आप घर में बैठे बैठे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास है, प्रदूषण है, महामारी बीमारी चल रही है, तो उसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखिए, उस अनुच्छेद के माध्यम से लोगों को जन जागृत कीजिए, जागरूक कीजिए, इसी प्रकार के एक सब्जेक्ट भी आपके पास पहुंच रहे हैं। तो घर में बैठे बैठे हमारे पास सब्जेक्ट है, हम लेखन शुरू करें और अनुच्छेद लिखना आरंभ करने से आपको लेखन का भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका विषय भी तैयार हो जाएगा। घर में बैठे बैठे बिना किताब लिए बस आपको नोटबुक की और पेन की आवश्यकता है और लिख सकते हैं। अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन है, आप पत्र लेखन कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा है कि ये सारे पत्र हमारे रिश्तेदारों को लिखने, तो ये काम कीजिए ना, जितने भी आपके रिश्तेदार है उनको हर दिन एक पत्र लिखिए, और वो लिखा हुआ पत्र भले व्यक्तिगत हो लेकिन कैसे लिखा है एक बार आपने बड़ों से दिखाइए, नहीं है तो हिंदी जानने वालों से दिखाइए, नहीं है नहीं, आपने अध्यापक महोदय से पूछिए कि कैसे लिखना है और उसके बाद लिखिए। देखिए विषय आपके पास है, घर में बैठे हुए हैं, सभी सदस्य आपके पास है, सभी रिश्तेदार आपको आपके पास है, आपको याद करते हैं, आप उनको फोन करते हैं, तो निश्चित हम उनको हर दिन ये पत्र लेखन कीजिए। तो पत्र लेखन जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपको घर बैठे बैठे तैयार हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। बाद में संदेश लेखन मैंने आपको वीडियो पहुंचा दिया है, तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं संदेश कैसे लिखना है। तो विविध प्रकार के अवसर है, किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई त्योहार है, अभी ईद का त्योहार है, ईद को ईद त्योहार के अवसर पर विविध प्रकार के संदेश हम पहुंचाते हैं, तो आज से तैयार कीजिए संदेश, संदेश तैयार कीजिए और ईद के दिन में भेज दीजिए, संदेश तैयार कीजिए। बिहू त्योहार है उसके ऊपर संदेश तैयार कीजिए, जन्मदिन है उसके ऊपर संदेश तैयार कीजिए, विविध प्रकार के अवसर हैं, घर में बैठे बैठे संदेश तैयार कर सकते हैं। मोबाइल में ओनली गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय हमारे लिए कोई अच्छा सा संदेश तैयार करके कागज पर तैयार कीजिए और फोटो निकालकर भेज दीजिए, मैं उस संदेश को आप जोड़ के स्वीकार करूंगा। क्यों, क्योंकि आपके विषय से संबंधित है और आपके लेखन से संबंधित है, क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कि गुड मॉर्निंग बोलने से मार्क्स मिलने वाले नहीं है, लेकिन लिखित रूप से अगर कोई संदेश तैयार करते तो निश्चित आपको 100% मार्क्स मिलने वाले। तो प्रैक्टिस कीजिए, उठिए। तो संवाद लेखन आपने इससे पहले वार्तालाप डायलॉग लेखन अंग्रेजी में उसको कहते हैं, तो संवाद लेखन आप देखिए हमारे घर में हम विविध प्रकार का संवाद कर रहे हैं, बिना कारण संवाद करते, खाते समय बैठते समय उठते समय संवाद कर रहे हैं, आजकल तो हम घर में विविध प्रकार का संवाद कर रहे हैं, उससे हमारा एक दूसरे से थोड़ा सा मनमुटाव होने की शंका भी अधिक है। तो बच्चों ये काम कीजिए ना, जो हम किसी के साथ बोल रहे हैं, पापा के साथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितने वाक्य बोल रहे हैं, नोटबुक पर लिखिए। अब बोलेंगे क्यों, यही तो संवाद है। मम्मी के साथ बातचीत करें, किस विषय पर करें, खाने के बारे में बातचीत करें, तो मम्मी जो आजकल आज तू बनाती है ना, मैं खा खाकर
उब गया हूं तो कोई नया बनाइए ना, उसके लिए हम मम्मी से जिद कर रहे हैं, तब उनके मम्मी के साथ हमारा एक संवाद चल रहा है, तो उस विषय का संवाद आप लिखिए, क्योंकि ये भी एक संवाद है। पापा से की गई बातचीत, मम्मी से की गई बातचीत, बड़े भाई से की गई बातचीत, छोटे भाई से की गई बातचीत, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी आदि लोगों से की गई बातचीत, आप जैसे कि वैसे नोटबुक में ओनली 10 वाक्य में लिखिए, आपका संवाद लेखन हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, आपको किसी भी प्रकार का किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आप संवाद लेखन कर सकते हैं। तो नारा लेखन उसका वीडियो आपको भेज दिया है, नारे लिखिए, आजकल महामारी चल रही है तो उसके ऊपर नारे लिखिए, कोई त्योहार आता है उसके ऊपर नारे लिखिए, जन जागृति करने के लिए नारे लिखिए, तो वो भी घर बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं। किताब लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको नोटबुक और पेन की आवश्यकता है, और आपको ये 26 अंक की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 26 अंक, क्योंकि हम कभी इसको सोचते नहीं, क्योंकि लेखन भाग है, हमें आता है बोल के हम कभी भी उसके ऊपर विचार करते नहीं है, लेकिन विचार करने का समय आ गया है, क्यों ना हम इस 28 अंक के पीछे न दौड़ते हुए हम 26 अंक के पीछे दौड़े, क्योंकि 28 अंक की तैयारी की तो हमारे अध्यापक महोदय ही करके लेने वाले हैं, तो हमें 26 अंक की तैयारी करनी है, तो आप कर सकते हैं। बच्चों ये किताबें निर्धारित किताबें मैंने जिक्र कर दिया है, संचयन भाग एक और परिचय भाग एक, संचयन भाग एक एनसीईआरटी द्वारा ये किताबें हैं। तो बच्चों इस साल आपको कौन कौन सी किताबें मतलब है ये आपको यहां दिया, लेकिन कौन से पाठ पढ़ने नहीं है, परिचय भाग एक में वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन ये पाठ आपको पढ़ना नहीं है, गीत आगे कविता संचयन मतलब गीत कविता पढ़नी है, और संचयन भाग एक से कौन से नहीं पढ़ने, कल्लू कुमार की उनाकोटी ये पाठ पढ़ना नहीं है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय ये पाठ आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा है पाठ नहीं पढ़ना है तो हम खुश होते हैं, क्योंकि पाठ आपके आनंद के लिए, खुशी के लिए, पठन के लिए जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, ये आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों कैसे करें तैयारी, मैंने पढ़ाते समय बहुत बार बोल दिया कि अपठित गद्यांश गद्य खंड है काव्य खंड है, कम से कम ये काम कीजिए बच्चों, ये अपठित गद्यांश आपके पास नहीं तो छोड़ दीजिए, गद्य खंड है, गद्य खंड में क्या कीजिए, आप घर में हैं तो जरूर हर दिन एक पाठ पढ़िए, पठन कीजिए, पढ़िए एक पाठ दो पाठ तीन पाठ चार पाठ, जैसे धूल पाठ पढ़ दिया, उसमें दुखों का अधिकार पाठ पढ़ लिया, बाद में हम देखते हैं कि बचेंद्रीपाल पाठ पढ़ दीजिए, उसके बाद कीचड़ का काव्य है पाठ को पढ़ दीजिए, या चंद्रशेखर वेंकटरमन से संबंधित पाठ है वैज्ञानिक चेतना के वाहक, बहुत ज्ञानवर्धक पाठ है उसको पढ़ लीजिए आप, गीत आगत कविता है, और सबसे आपको परिचित कविता आपके पास दिए तो उसको भी पढ़िए, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाओ भी मांग मत मांग मत, इतनी आसान और अच्छी कविता आपको दी है तो उसको, खुशबू रस्ते हा एक कविता पढ़िए, नए इलाके में कविता है, गीत अगीत कविता है, बाद में पद है रहीम के दोहे हैं, तो आप पढ़िए ना, ये साहित्य पढ़ने के बाद आपको कैसा लगता है तो वो हमें बता दीजिए, लेकिन आप पढ़िए, ये गद्य खंड की तैयारी कर सकते हैं, काव्य खंड की तैयारी कर सकते हैं, संचयन में गिल्लू महादेव वर्मा द्वारा एक बहुत ही सुंदर संस्मरण है उसको पढ़िए, आपको अगर जितना मन लगाकर जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ने का मन हो जाएगा, और उतनी बार उसको आदि की समझ में, स्मृति नाम का एक संस्मरण है उसको पढ़िए, और इस प्रकार दिए जल उठे ये संचयन के पाठ है आप पढ़िए, और लेखन विभाग तो आपको बोल ही दिया मैंने जो 26 अंक का है उसको तो तैयार करना ही करना है, लेकिन आप ये पढ़ना है, इसी प्रकार आप घर में बैठे बैठे बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और मुझे विश्वास है कि आप तैयारी करेंगे। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास करते समय पठन कीजिए मतलब पढ़िए, लेखन कीजिए मतलब लिखिए, क्योंकि एक लिखा और सौ पढ़ा बराबर होता है, तो जो 26 अंक का लेखन है उसमें हर दिन कीजिए कुछ ना कुछ कीजिए, लिखिए पढ़िए, और साथ में मनन कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन कीजिए, इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। बाद में बच्चों आप घर में हैं बहुत सारे टेंशन में होंगे, या कभी कभी सोचते होंगे, विचार करते होंगे, नर्वस होते होंगे, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके
साफ है, डरने की कोई बात नहीं है। तो क्या करें घर में रहते रहे, तो थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, योजना के अनुसार तैयारी करिए, घबराओ मत। ऐसे भी छुट्टी में दो महीने के लिए आप पहले भी जाते थे, आज भी गए, कोई नया नहीं है। तो योजना के अनुसार आपकी तैयारी कीजिए, सकारात्मक हमेशा सोचे, बी पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचे, बुरे विचार आपके मन में आने देना नहीं है। हमेशा जागरूक अध्ययन कीजिए, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि बिना कारण इधर उधर की बातें पढ़ने से अच्छा है कि जागरूक रहते हुए अध्ययन कीजिए, भले वो आधा घंटा कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए। लिखकर तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखकर तैयारी कीजिए। घर में क्या होता है कि आजकल सारे लोग घर में, हमारा मन नहीं लगता है तो लोगों की बहुत सारी आवाजें हमें सुनने के लिए मिलती है, हम तैयारी कैसे करें, तो लिखिए, लिखने से आवाज भी आ गई तो इतना प्रॉब्लम होगा नहीं है। तो लिखकर तैयारी कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों की अपने आप पर विश्वास रखिए, जी हाँ मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। तो ये ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई कीजिए। और जाते जाते मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बच्चों, बाय बाय।